मैं बंगाल में हूँ, खास पेशकश लेकर मैं माधुरी कलाल हाजिर हूँ। जी हिंदुस्तान बंगाल में है और वहां से हम आपके लिए ला रहे हैं हमारे रिपोर्टर्स की आंखों देखी तस्वीरें। बंगाल में शहरों से लेकर दूर गांव तक हर जगह जी हिंदुस्तान की टीम ने हर एक पल का जायजा लिया है। आज आप देखेंगे बंगाली कोबरा का नया ठिकाना और ममता ने बीजेपी को टक्कर देने का क्या बनाया है वीडियो गेम। साथ ही बाइक पर हमारे रिपोर्टर की अनोखी रिपोर्टिंग हमारे तमाम सहयोगियों ने आज दिन भर बंगाल में हो रही हर घटना को कैमरे में कैद किया। बंगाल जो किसी ने नहीं देखा वो जी हिंदुस्तान आपको दिखा रहा है। मैं बंगाल में हूं और इस वक्त मैं कोलकाता में हूं और कोलकाता में आपको जहां पर ट्राम है, फेरी है, मेट्रो है, कैब सर्विस है, तांगा है, सब कुछ है, तो दूसरी तरफ आपको ऐसे जुगाड़ भी है। इसको दादा क्या बोलता है? बाईपास, ढाबा बाईपास है, ढाबा बाईपास। ये वाला क्या है आपका? पिकअप वैन। पिकअप वैन, अच्छा, इसको अपने यूपी बिहार में इसको जुगाड़ कहते हैं और ये आपको राजधानी कोलकाता में ये जुगाड़ आपको चलता है। जैसे कोई नंबर उम्बर है कि नहीं? नहीं, नहीं। कोई लाइसेंस वाइसेंस नहीं, ऐसे चलता है? तो ये केवल इसी रूट पे चलता है क्या? ढाबा। ये कितना किलोमीटर चलता है? एक किलोमीटर, एक दो किलोमीटर चल जाता है। ये अभी कहाँ जा रहा है हम लोग? कितना? दो तीन किलोमीटर। दो तीन किलोमीटर चल जाता है। इधर और कोई है सवारी का? बस यही चलता है। इधर ही सवारी, फिर ऑटो है। ये हम लोग अभी कहाँ जा रहे हैं आगे? अभी हम लोग जा रहे हैं 12 नंबर बोस्तला। 12 नंबर रोड तक? 12 नंबर बोस्तला। अच्छा, 12 नंबर रोड। इधर बताओ, इधर कैब वो नहीं जाता क्या? कैब ऑटो नहीं, कोई सुविधा नहीं है। कोई सुविधा नहीं है, बस यही चलता है। ओला मिलता है, जब आपने बुकिंग करेंगे तो आ जाता है इधर। ये थोड़ा सा अजीब सा लगता है कि कोलकाता जैसे शहर में, इस इलाके में, ढापा वाले रूट में लोग कहते हैं कि यहाँ पर बस यही एकमात्र जरिया है जिसके जरिए लोग यहाँ पर आना जाना करते हैं। लगभग तीन किलोमीटर का स्ट्रेच हो गया ना? या, 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 तीन या, किलोमीटर या, या। और कितना किराया लेते हैं दादा यहाँ से? 10 रुपया। हाँ दादा, कितना लेते हो किराया? 10 रुपया? हाँ, 10 रुपया। अरे ये आपके जुगाड़ में इसमें कितने लोग हम लोग बैठे हुए हैं देख लो, आप काउंट कर लो। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 लोग तो हो गए होंगे। इस बार चुनाव में क्या चल रहा है दादा? चुनाव में क्या कहा जाए, तृणमूल आना चाहिए। तृणमूल आना चाहिए दादा? हम लोग कोई पता नहीं, कुछ पता नहीं है। आप कहाँ से? यहीं से हैं? हम लोग बिहार से हैं। आप बिहार से हैं? तो यहाँ पर कितने बजे तक चलता है दादा ये? सुबह से लेकर रात तक? सुबह से 10। पुलिस वाला कोई टोकता उकता नहीं है कि कहाँ लेके जा रहा गाड़ी? कुछ नहीं। जितना कितना होगा, कितना गाड़ी चलता होगा ऐसा यहाँ पर? 50 गाड़ी चल जाता है यहाँ पर डेली। और सुबह आप लोग कितना मार लेता है ट्रिप? सुबह अप डाउन कितना ट्रिप मार लेता है? 12-15, 10-12। ठीक ठाक कमाई हो जाता है? मोटा मोटी चल जाता है। इस बार क्या चलेगा यहाँ पर? इस बार क्या चलेगा? कमल चलेगा, तृणमूल चलेगा, फूल चलेगा, क्या चलेगा इस बार? समझ में आ रहा है? तृणमूल। अच्छा, तो देखिए ये जुगाड़ तो हर दिन की तरह यूं ही चलता रहेगा, लेकिन अब देखना है कि इस बार के चुनाव में किसकी गाड़ी चलती है, बीजेपी की, टीएमसी की, लेफ्ट या कांग्रेस की। मैं बंगाल में हूं और बंगाल की हर हलचल को मैं आप तक पहुंचा रहा हूं, क्योंकि आज मैंने जो दिन भर देखा वो आपको बताऊं। बंगाल में दरअसल सियासत जो है अपने उफान पे, और होना भी चाहिए क्योंकि चुनावी बिगुल फूक चुका है, तारीखों का ऐलान हो चुका है और पहले चरण का चुनाव नजदीक है। ऐसे में हर सियासी दल लगातार अपने समीकरणों को सेट करने के लिए और जनता के बीच अपने दमखम को दिखाने के लिए तमाम तरह के हथकंडे अपना रहा है। भाजपा बना की सरकार बना दो, आदमी तो क्या परिंदा भी पैर न मर पाए, ऐसी व्यवस्था। अपना एक दुआ करबेन, ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह। इस बार टीएमसी ने इस बार एक नया थीम लॉन्च किया है। थीम लॉन्च ये है कि सुपर मारियो गेम को अब एक नए अंदाज में पेश किया गया है, जिसमें दीदी जो है, यानी पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी, उसमें सुपर मारियो की भूमिका में नजर आ रही है और सुपर मारियो की भूमिका में वो गेम खेलती हुई नजर आ रही है। यानी
यानी देखिए सुपर मारियो क्या करता था, जिस किसी ने भी सुपर मारियो खेला है उसे पता था कि सुपर मारियो कैसे जंप करता है और उसके बाद क्या क्या आगे प्रोसीजर होता है। लेकिन टीएमसी ने इस खास अनोखे तरीके से सुपर मारियो गेम में दीदी को एक प्रभुत्व वाला दिखाया। और सिर्फ इतना ही नहीं, गेम की शुरुआत की जाती है टीएमसी के अपने टैगलाइन से और उसके बाद ये कारवा आगे बढ़ता है इस गेम में। जैसे जैसे कारवा आगे बढ़ता है वहाँ पर वो तस्वीर नज़र आती है जिसमें साफ तौर पर यह दिखता है कि टीएमसी की दीदी यानी कि ममता बनर्जी, टीएमसी का सबसे बड़ा चेहरा, वो आगे बढ़ती हैं और अपने तमाम उपलब्धियों को इस गेम में वो बारीकी से दिखाती हैं। सिर्फ इतना ही नहीं, अगले पड़ाव में इसमें ये दिखाया जाता है कि सामने उनके नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह भी नज़र आते हैं और उन दोनों को दीदी जो है पटखनी देकर नीचे के धकेल देती हैं। अगले पड़ाव में टीएमसी के 10 मैनिफेस्टो जो जारी किए गए 10 पॉइंट्स जो है उन्हें दिखाया गया है। और इतना ही नहीं, उसके आगे पढ़ते हुए दीदी का ये कारवा पहुंचता है रॉयटर्स बिल्डिंग पर जहां पे दीदी का परचम लहराता हुआ दिखाया गया है। और ये पूरा का पूरा थीम जो है नंदीग्राम पर डिपेंड किया गया है, नंदीग्राम को आधार पर रखकर बनाया गया है। यानी इस चुनाव में दरअसल दीदी की भूमिका को अहमियत दिखाते हुए ये कोशिश की गई है कि देखिए सुपर मारियो की भूमिका में पूरी कहानी बताते हुए कि तमाम जो उपलब्धियां रही टीएमसी सरकार की इन 10 सालों में वो आप देखिए, इसके अलावा जो मैनिफेस्टो में 10 बड़ी बातें टीएमसी की तरफ से रखी गई है वो भी बताया गया और उसे किस तरह से जनता ने स्वीकार कर लिया और उस जीत को फिर जनता ने स्वीकार करते हुए कैसे रॉयटर्स बिल्डिंग पर फिर से दीदी को पहुंचा दिया, ये पूरा का पूरा थीम इसमें दिया गया। वैसे एक बात बता दूं कि हर सियासी दल ऐसे ही थीम को, ऐसे ही अलग अलग थीम को लगातार लॉन्च कर रहा है। तो बंगाल में मैं हूं, यानी मैं बंगाल में हूं और यहां से हर रंग आपको दिखा रहा हूं, हर तस्वीर में आपको दिखा रहा हूं और आज दिन भर इसी जद्दोजहद के साथ हर सियासी दल एक नए तस्वीर को लेकर जनता के बीच में आने की कोशिशों में लगातार लगी रही। मैं बंगाल में हूं, बंगाल के पश्चिमी मिदनापुर में आज अमित शाह का रोड शो हुआ। अमित शाह को देखने के लिए बड़ी तादाद में दूर दराज से लोग आए। अमित शाह ने लोगों का हाथ हिलाकर अभिवादन किया और रोड शो को पूरी तरीके से अंजाम दिया। जब अमित शाह यहाँ पर पहुँचे मैं वहाँ मौजूद था, अमित शाह को बिल्कुल करीब से देखा, उन्होंने जी हिंदुस्तान के कैमरे पर मुस्कुराहट भी दी और इसके अलावा वो रोड शो में शामिल हो गए। रोड शो में जो जनसैलाब उमड़ा उसकी तस्वीरें देखकर आप गदगद हो जाएंगे, आप भी देखिए। तो ये अमित शाह का रोड शो था जो आपने देखा, बड़ी तादाद में रोड शो में लोग उमड़े, महिलाएं भी थी, बच्चे भी थे, हर उम्र के लोग अमित शाह के रोड शो में उमड़े। और ये इस इलाके में पहले चरण में मतदान होना है जिसके चलते अमित शाह ने यहां पर पूरा माहौल बना दिया है। मैं बंगाल में हूं और बंगाल की हर तस्वीर में आपके बीच में लेकर आता हूं। कलकत्ता में आए और कलकत्ता में येलो टैक्सी ना देखे तो फिर बेकार है, यानी येलो टैक्सी का मतलब ही हो गया बंगाल में है। हालांकि सड़कों से अब येलो टैक्सी कम होने लगी है, आए दिन सड़कों से इनकी संख्या कम होती लगी है क्योंकि आज की तारीख में टेक्नोलॉजी बदला, GPS सिस्टम आ गया, ओला उबर जैसे कई बड़ी बड़ी कंपनियां आ गई, लेकिन ये अभी भी सरकारी रेट में चल रहे हैं। और ये देखिए ड्राइवर बैठ के इंतजार कर रहे हैं पैसेंजर कैसे आएगा। अब ये भी कहा जाता है कि एक वक्त में कलकत्ता में 80,000 ये येलो टैक्सी चलती थी और अब शायद 20,000 के आसपास की संख्या बची है जो अब यहाँ पे लोग चला रहे हैं। तो दादा इस टैक्सी में ही बैठते हैं ना, तो कैसा चल रहा है अब यहाँ पे? टैक्सी में बैठिए और मीटर डाउन करिए, 30 रुपया, मैंने 15 रुपये पर किलोमीटर, 2 किलोमीटर तक 30 रुपया रहेगा, उसके बाद जैसे जैसे आप आगे बढ़िएगा वैसे वैसे पैसा ऐड होता रहेगा। तो अच्छा चल रहा है, तो फिर संख्या कैसे कम होने लगी? अभी समय अच्छा ना है, ऐसा बात है ना कि अभी कमर्शियल गाड़ी 15 साल से ज़्यादा यहाँ पे अभी सरकार परमिशन नहीं दे रहा है, 15 साल होने से पुरानी जो मीटर टैक्सी वो कैंसिल हो जा रही है और हिंदुस्तान मोटर तो यहाँ बंद ही हो गया, पहले हिंदुस्तान मोटर पीला गाड़ी देता था डायरेक्ट, तो अभी बंद हो गया, इसकी वजह से आस्ते आस्ते टैक्सी कम सवारी मिलती है। पहले के अपेक्षा जो है इनका रोजगार भी कम हो गया, सवारी कम मिलती है। अब देखिए एक चीज और मैं आपको बताऊं, इस टैक्सी में पीली टैक्सी में दरअसल आधुनिकता आपको कहीं नहीं दिखेगी। अभी भी सर पे आप अगर आप बैठ रहे हैं तो मेरे ऐसा इंसान, ये देखिए सर टकरा रहा है, ये सर टकरा रहा है,
दूसरी चीज। हाँ दादा, कैसे बुकिंग हो जाती है? इस बार चुनाव है तो चुनाव में बुकिंग तो खूब हो रही होगी। हाँ सो तो होता है दादा। तो चुनाव के मूड में आ गए हैं क्या? पैसेंजर चुनाव की चर्चा करते हैं आपकी गाड़ी में बैठते हैं? हाँ करता तो है दादा, करता है तो। इस बार सरकार अगर दूसरी बनी या फिर सरकार जो भी बनी नई, तो सरकार से टैक्सी वालों का कुछ मांग है कि नहीं है? अब तो वो बनेगा तब ना सर, अभी बना नहीं है, वो बनेगा उसके बाद में ना, अभी अभी कैसे बता सकते हैं। सबसे बड़ा बात है हम लोगों का सुनने वाला कोई नहीं है सर। हम लोगों का जैसे कि हर कोई का माँ बाप जो है, किसी के पास दर्द मतलब बोलने का जगह है ना, हम लोगों का कोई नहीं है। अच्छा आपकी बुकिंग कैसे होती है? आपका कोई सरकारी टैक्सी का ऐप बुकिंग नहीं होता? हम लोग का बुकिंग नहीं होती है, रास्ता में चलने से ही मिलता है पैसेंजर। अच्छा, नहीं तो दिन भर बैठे? दिन भर बैठा रहना है। तो देखिए हिंदुस्तान का एक रंग ये भी देख लीजिए, वैसे तो हिंदुस्तान में तकनीक बदली, हिंदुस्तान की तस्वीर बदली, हिंदुस्तान में बदलाव की बात हुई, लेकिन ये पीली टैक्सी जो है जस्ट की तरह से, हालांकि संख्या इनकी भी कम हो गई और बदलाव नहीं हो पाने की वजह से आज इनकी हालत ऐसी हो गई है। ना ही यहाँ पे GPS है, ना ही AC है, बुकिंग के लिए भी आपके पास कोई ऐप नहीं है, क्योंकि आज ऐप का ज़माना है। इनको राह चलते कोई मिला तो उसके बाद चल लिए, 30 रुपये में मीटर डाउन हो जाते हैं। और उसके बाद पर किलोमीटर कितना? 15 रुपये पर किलोमीटर। यानी ये जो प्राइवेट कंपनियां चला रही है उससे सस्ती है या फिर महंगी है? सस्ती है। यानी उससे भी सस्ती कीमत पर आप बंगाल में, कोलकाता में इस पीली टैक्सी पे सफर कर सकते हैं। लेकिन इनकी हालत को आप देख लीजिए। तो ये रंग भी है हिंदुस्तान का जो मैं आपके बीच में लेकर आ रहा हूँ। सोचिए चुनाव के बीच में भी उम्मीदों के साथ ये है कि शायद इनके बारे में भी कोई सोच ले। क्या इस रंग के ऊपर किसी का ध्यान जाएगा? यही तो सवाल रहेगा। मैनिफेस्टो भी जारी हो गया। जोश है, बहुत जोश है। ये मैनिफेस्टो में बंगाल की गरीब जनता, बंगाल की बेरोजगार नौजवान, बंगाल की वुमेन, सबके लिए प्रोविजन है। सीनियर के लिए भी है, जो ओल्ड एज पेंशन है, जो फिजिकली हैंडीकैप के लिए पेंशन है, सबको एनहेंस करके 3000 करने का बात है। इसलिए किसानों का बात है, श्रमिक का बात है, जो अनएम्प्लॉयड है उसको नौकरी के लिए रोड मैप है, जो वुमेन है, स्टूडेंट है, क्लियर मैनिफेस्टो है, बहुत जोश है। दादा TMC का कहना है कि आप बाहरी लोगों के साथ प्रचार कर रहे हो और साथ ही साथ ये भी कहा कि आपराधिक छवि के लोग भी आपके साथ हैं। देखिए TMC तो बाहरी प्रधानमंत्री गृह मंत्री को बोल रहा है, हम लोग तो एक ही नारा देता है, कश्मीर से कन्याकुमारी देश हमारी, देश हमारी। कौन बाहरी है? वो प्रधानमंत्री को बाहरी बोल रहा है। जब देखिए इलेक्शन कमीशन का एक गाइडलाइन होता है, इलेक्शन का कैंपेन जब फर्स्ट पेज का खत्म हो जाएगा 25/6/30, उसका बाद उस कॉन्स्टिट्यूंसी का वोटर के अलावा किसी को पोलिंग खत्म होने तक रहना नहीं चाहिए। ये तो इलेक्शन कमीशन, कौन बाहरी है उसको नाम बोलना तो चाहिए। भारत का बाहर से तो लोग नहीं आया, ये तो लास्ट पार्लियामेंट इलेक्शन में बांग्लादेश से फिरोज को लाया था कैंपेनिंग के लिए। रोहिंगा और बांग्लादेशी घुसपैठियों दामाद है, और गुजरात उत्तर प्रदेश दिल्ली से आया लोग घुसपैठिया है। जय जय श्री राम। दादा सुवेंद्र अधिकारी को ये कहा जा रहा है कि आप बहुत ही कैंडिडेट में, CM कैंडिडेट की दौड़ में भी है। अरे भाई ये सब बात नहीं, छोड़ दीजिए, मैं डिसिप्लिन वर्कर हूँ, मेरा कुछ नहीं है। BJP एक अनुशासित पार्टी है, बंगाल की विकास तरक्की के लिए मोदी जी का पिक्चर रखते हुए, तस्वीर रखते हुए हम लोग कैंपेन कर रहा है। विकास के नाम पर वोट हो रहा है, बंगला के तुष्टीकरण के खिलाफ वोट हो रहा है। जो मॉडल ममता बनर्जी किया, शौकत मुल्ला, जहांगीर खान, एनामुल का मॉडल, उसको रिजेक्ट करने का वोट चल रहा है। इसमें मैं कोई दावेदार नहीं हूँ, पार्टी जो जिम्मेदारी देगा। मैं TMC के लिए 10 गुना काम किया, BJP के लिए 100 गुना काम करूंगा। तो ये थे सुवेंदु अधिकारी, जिनका कहना है कि मैं पार्टी का एक डिसिप्लिन सोल्जर हूं और मैंने TMC के लिए 10 गुना काम किया है, मैं BJP के लिए 100 गुना काम करूंगा। लेकिन अब देखना होगा कि ये 100 गुना काम उन्हें जीत की तरफ लेकर जाता है या नहीं। मैं बंगाल में हूं। इस बार पश्चिम बंगाल के चुनाव में स्टार पावर का जलवा देखने को मिल रहा है, और जिस गली में मैं हूं अब ये जाने माने बॉलीवुड के स्टार मिथुन चक्रवर्ती का अब ये वोटर आई कार्ड में नया पता है। ये देखिए, ये उनका पता है 22/180 राजा मनिंद्र रोड, कोलकाता 7000037। और ये देखिए
शर्मिष्ठा सरकार जो नाम लिखा हुआ है ये मिथुन चक्रवर्ती की बहन है, और मिथुन चक्रवर्ती जब भी आते हैं कोलकाता तो वो यहां पर जरूर आते हैं और यहां पर रहते भी हैं। कहा इसलिए भी जा रहा है कि मिथुन चक्रवर्ती मुंबई छोड़कर के अपने वोटर आई कार्ड में पता चेंज कराने के पीछे मकसद ये है कि इस बार बीजेपी मिथुन चक्रवर्ती को काशीपुर बिलगछिया विधानसभा सीट से चुनाव लड़ा सकती है। इसलिए मिथुन चक्रवर्ती ने मुंबई का पता छोड़कर अब अपना वोटर आई कार्ड में ये नया पता दर्ज करा लिया है, और हो सकता है कि इसका ऐलान जल्द कर दिया जाए कि मिथुन चक्रवर्ती इस सीट से चुनाव लड़ेंगे। हाल ही में मिथुन चक्रवर्ती 7 तारीख को बीजेपी में वो उन्होंने ज्वाइन किया था। यहाँ आसपास के लोगों से पूछते हैं, मिथुन दादा यहाँ का वोटर भी बन गया यहाँ का? हाँ, वोटर बन गया, न्यूज पे आ चुका है। तो दादा मुंबई से छोड़ करके यहाँ बना लिया, और ऐसा चर्चा आप लोग भी सुन रहा होगा, खबर सुन रहा होगा कि दादा यहाँ से चुनाव लड़ सकता है। हाँ, लड़ेगा तो बहुत ही अच्छा होगा, लड़ेगा तो बहुत ही अच्छा होगा। यहाँ से इस बार टीएमसी का तो कैंडिडेट कौन है? इस बार कौन है? अतीन घोष है। अतीन घोष है। हाँ, ये मिथुन चक्रवर्ती का तो यही हो गया, अभी नया वाला पता मिटिन चक्रवर्ती जब आता है यहाँ पर तो इधर पर ही रहता है। हम तो यहाँ पर लोकल आदमी हैं। आप लोग कभी मिला दादा से, मिथुन दादा से आता जाता है तो? हाँ, कभी कभी मिला है। मिटिन चक्रवर्ती जो स्ट्रगल किया है ना, जिस स्ट्रगल किया है उससे प्यार आता है, और बंगाली के लिए हमारा जो थैलासी में छोटे छोटे बच्चा है उसके लिए पश्चिम बंगाल में जो मिठुन किया है वो बढ़िया काम है। उसका नाम है, हाँ, पूरा वर्ल्ड में नाम है इसलिए। और मिठुन चक्रवर्ती जैसे गर्व है, जैसे बोला ना, एक ही बात बोलेगा दोबारा, फिर एक ही बात बोलेगा, जैसे स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ ठाकुर, विद्यासागर, यही राज्यों का जैसे मिठुन चक्रवर्ती गर्व है, हम लोग का भी गर्व है जो मिठुन चक्रवर्ती हम लोग का राज्यों में है, इसलिए हम लोग का अहंकार भी है, गर्व भी है। तो देखिए, मिथुन चक्रवर्ती यहाँ से चुनाव लड़ते हैं या नहीं लड़ते हैं बीजेपी डिसाइड करेगी, और अगर लड़ते हैं तो चुनाव जीतते या नहीं जीतते हैं इन सब बातों से अलग इतना तो तय है कि यहाँ पर मिथुन चक्रवर्ती का स्टारडम और उनका जलवा अब भी बरकरार है। आज जी हिंदुस्तान ने बंगाल में चुनाव का एक अनोखा रंग देखा। जी हिंदुस्तान के कैमरे ने एक ऐसी घटना कैद की जो नॉर्मली चुनावों में देखने को नहीं मिलती, लेकिन आम लोग उसकी उम्मीद नेताओं से हमेशा करते हैं। आज पश्चिम बंगाल के मेदिनीपुर में बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा रोड शो कर रहे थे। इस दौरान उनके रोड शो के बीच में कहीं से एक एम्बुलेंस आ गई। इसके बाद नड्डा ने अपना रोड शो रोका, एम्बुलेंस को जगह देने के लिए कहा। आप भी देखिए और सुनिए। और फिलहाल इस खास पेशकश में इतना ही।